हाय एवरीवन, हम आ चुके हैं विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि अहमदाबाद में है। जैसे ही आप एंट्रेंस पे देखोगे तो आपको इनकी कॉलेज इस तरीके की देखने को मिलेगी, जो कि इनका मेन सेंटर है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इसके आजू बाजू इनका पूरा का पूरा कॉलेज सिचुएटेड है। चलिए अंदर से घूमते हैं, कॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स से मिलके उनके कॉलेज के बारे में उनसे रिव्यू लेते हैं। तो अब जैसे ही एंट्री लेंगे आपको सामने देखने को मिलता है इनका ये ब्लॉक जो कि है ए ब्लॉक। ये है एक्सपर्ट कमेटी ब्लॉक। अगर आपको कुछ क्वेरी है एडमिशन रिगार्डिंग, कुछ क्वेरी है कि कुछ मिलना है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। तो आइए चलिए हमारे साथ एक छोटे से टूर पे जिसमें हम आपको दिखाएंगे VGEC कॉलेज को अंदर से, आपको दिखाएंगे कि कैसी है ये कॉलेज। तो जैसे ही हम आगे बढ़े, हम आगे पहुंच गए गर्ल्स हॉस्टल के पास। तो यहाँ पर इनका गर्ल्स हॉस्टल का सिर्फ एक ही ब्लॉक है जो कि ये वाली एक ही पर्टिकुलरली बिल्डिंग है। हमने इसको अंदर से शूट नहीं किया बिकॉज ऑफ सम प्रिवेसी रीज़न कि गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये दूर से मैंने इसका एक व्यू ले लिया, तो यह थोड़े ग्रीनरी के बाजू में है एंड इसके अगर आप थोड़े आजू बाजू के एरिया देखने जाओगे तो प्रॉपरली खुला सा खेत टाइप का ही आपको देखने को मिल जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बाजू में है इनका वर्कशॉप, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ मैकेनिकल के काम होते हैं एंड इनके बाजू में मिले हमको कुछ स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं उनके कॉलेज के बारे में। हेलो दोस्तों, आप लोग VGEC से करेक्ट? तो VGEC गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप लोगों ने जब एडमिशन लिया तो गवर्नमेंट कॉलेज सोच के लिया था या फिर अपनी ब्रांच सोच के लिया था? गवर्नमेंट कॉलेज सोच के। और आप लोगों का एडमिशन, अच्छा ब्रांच सोच के, आप लोगों का एडमिशन किस किस ब्रांच में हुआ है अभी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब लोग, सब लोग। तो अभी सब लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कौन से में? सेकंड ईयर। सब लोग सेकंड ईयर। तो अभी तक का कैसे जा रहा है अभी आप लोगों का? अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एडमिशन लिया था तो फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकंड ईयर कैसा है? मैं डिप्लोमा टू डिग्री में। अच्छा, डी टू डी। सब लोग डी टू डी वाले रेगुलर। ओके रेगुलर। तो फर्स्ट ईयर आप लोगों का कैसा गया था फिर? एकदम बढ़िया। फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकंड ईयर कॉलेज में कुछ चेंज लग रहा है? सेकंड ईयर ज्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ईयर हम किसी को इतना पहचानते नहीं थे तो मतलब तभी सब एक दूसरे से मिलने लगे, शाय फील होता था स्कूल से कॉलेज में आने में, सब डिफरेंस लग रहा था। तो मतलब यहाँ पे अभी यहाँ पे जैसे माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है? जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग आते तो चाहिए होता है अलग अलग थे नहीं तो हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पाए कॉलेज लाइफ, बट अब हमारे सब फ्रेंड्स बन रहे हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग सब मिल रहे हैं, सबसे हमारी बात होती है, तो अभी ऐसा लग रहा है कॉलेज आने मजा आ रही है। रोज कब सुबह होगा कॉलेज आएंगे ऐसा वाला फील हो रहा है। अच्छा, फैकल्टीज कैसी है? मतलब कोऑपरेटिव है और काम करने फैकल्टी अच्छी है? मतलब ऐसा कहीं कहीं होता है कि फैकल्टी आ रही पढ़ा के जा रही, कुछ पता नहीं पड़ रहा, या फैकल्टी फैकल्टी अच्छी है? अच्छा। और यहाँ पे कॉलेज जैसे कैंटीन मैस वगैरह है कॉलेज के? हाँ, तो कैसे है मैस कैंटीन वगैरह? सुपर फ्रेंड्स है। अच्छा अच्छा, हॉस्टल हॉस्टल का मैस का? मैस का। ओके, मैस का भी अच्छा और कैंटीन भी अच्छा। हाँ, तो हॉस्टल का टाइमिंग्स वगैरह का कुछ? टाइमिंग्स का ऐसा कुछ है नहीं, बट 10-11 बजे तक मतलब चले जाते, 10-11 बजे तक। अच्छा, और हॉस्टल में मतलब ट्रिपल शेयरिंग डबल शेयरिंग? रूम्स में मतलब ट्रिपल शेयरिंग। और AC? नॉन AC, सारे नॉन AC है। और अटैच वॉशरूम वाला कुछ सीन जैसे कि ये कॉमन है? कॉमन है, कॉमन है सब कुछ। अच्छा, और उसकी फीस कितनी होगी हॉस्टल की फीस? 6 मंथ की 1200 समथिंग है। 1200? चलेगा। और यहाँ का जैसे आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है सब लोग, तो उसका एवरेज पैकेज कितना है? और ओवरऑल कॉलेज का कितना एवरेज पैकेज सुनना आता है? सब ब्रांच मिलाकर के भी कुछ आता होगा ना कि भाई कॉलेज इतना तो दे ही देती हर ब्रांच का देख देख के? आइडिया नहीं है, तो फिर तो गवर्नमेंट कॉलेज में 1500 की फीस दे रहे हो तो 4-5 लाख अच्छा ही लगता होगा सब कुछ। तो आप लोग D2D वाले जैसे आप, तो जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन था D2D के लिए कि D2D वाले होते हैं कि पहले डिप्लोमा करते हैं, फिर वो लोग कभी कभी सोचते करे ना करे तो एक साल का ब्रेक हो जाता है, तो एक साल या दो साल के बाद भी वो D2D में एडमिशन ले सकते हैं? तो ओवरऑल आपकी कॉलेज से हम लोग देखे काफी बड़ा कैंपस है कॉलेज का भी, तो आप लोग जैसे नए नए आ गए तो
एकदम अलग अलग ही दिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे जीटीयू की बिल्डिंग भी है, तो जीटीयू का मतलब वो अलग ही चलता है बिल्कुल, या फिर विश्वकर्मा के साथ ही अटैच उनकी अलग है। ओके, तो मतलब जीटीयू का हेल्प तो यहाँ पे मिलता होगा ना आप लोगों को, मतलब गवर्नमेंट है तो जा सकते हो, जैसे वीजीसी के भी स्टूडेंट्स है कुछ वहाँ जाते हैं, जीटीयू के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो मतलब फ्रेंडली है पूरा, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मतलब हम फ्रेंडली है, कोई ऐसा दिक्कत वाला ही नहीं है बात। और आपकी जैसे लैब्स वगैरह होते होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो होते होंगे आई गेस, तो वर्कशॉप्स लैब्स ना वो कैसे हैं? वो भी लेते हैं बच्चे हमारे, मतलब कभी दो वर्कशॉप तो मैंने अटेंड किए हो चुके हैं काफी, बट मैंने दो अटेंड किए काफी। ओके, तो ओवरऑल आप लोग अपनी कॉलेज को कितना रेट करना चाहोगे ऑन द स्केल ऑफ 10? 8 सेटिस्फाइड, मतलब अच्छे से। हॉस्टल जो तो नहीं, काफी बढ़िया है। तो आप लोग सब लोकलाइट्स? मतलब कॉलेज अच्छी है, मतलब अगर लेना जाए तो विश्वकर्मा के लिए हम लोग ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो एलडी के बाद विश्वकर्मा आता है तो ले सकते हैं। ओके, सर आपको जीटीयू की बिल्डिंग में देखने को मिल जाएगी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वीजीईसी एज जीटीयू एफिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों का काम होते हुए देखने को मिल जाएगी, बट हाँ इनकी बिल्डिंग्स अलग अलग है। ये जो आपको पीछे बिल्डिंग देखने को मिल रही है, ये है इनका बॉयज़ हॉस्टल जो कि जीटीयू की बिल्डिंग के बाजू में ही है। ये काफ़ी बड़ा बॉयज़ हॉस्टल है इनका, और इसके आजू बाजू में आपको देखने को मिल रहे होंगे इनके काफ़ी सारे बंजर ज़मीन और इनके ग्राउंड। एक्चुअल में ये बंजर ज़मीन नहीं है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ इनके प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ बने हुए हैं। आपको यहाँ पे कोई ना कोई ग्राउंड पे कुछ ना कुछ प्ले एरिया मिल जाएगा, कभी खो खो, कभी कबड्डी, कोई फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, ऐसे करके। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा बॉयज़ हॉस्टल के वहाँ पर। तो लाइक यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनके यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ लाइक स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ रखा है, बट द थिंग इज़ कि प्रॉपर ग्राउंड एंड वो सब का मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पर एब्सेंट है। आप शॉक्ड होगे, इनको यहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग दी, तो बस पॉइंट यही है कि फैसिलिटीज़ है पर स्टिल मेंटेनेंस नहीं, इसकी वजह से ये कॉलेज थोड़ी सी लैक कर जाती है पीछे। अदरवाइज आपने स्टूडेंट्स से भी सुनाई एलडी के बाद वीजीईसी ही आती है, सो लाइक इट्स अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज एंड इसका कट ऑफ भी थोड़ा लो रहता है एलडी के कंपेयर में। सो या अगर आप चाहते हो तो इस कॉलेज को एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड सेकेंडली अब यहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल काफ़ी बड़ा है बिकॉज यहाँ पर आपको यू नो प्रॉपरली बालकनीज वगैरह भी देखने को मिल जाएगी रूम के बाहर, एंड कुछ कुछ रूम्स में मेरे को एसी भी देखने को मिल जाएगा। आई डोंट नो कि ये स्टाफ वगैरह के लिए है कि स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स ने तो ना बोला था कि एसी नहीं है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू वीजीईसी के ऊपर। अगर आपको कुछ डाउट्स और क्वेरीज है हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। कोई कॉलेज को लेकर के आपको कुछ जानना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज इनकॉग्निटो पे, आपके वहाँ पे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, हम ज़रूर से आंसर देंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा कॉलेज इनकॉग्निटो के साथ, क्योंकि यहाँ मिलता है आधी हकीकत आधा फसाना।